नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ सब लोग ठीक ठाक हो और आपके साथ आपका बर्ड्स भी ठीक ठाक है। दोस्तों मैं अभिषेक आप लोगों को स्वागत करता हूँ मेरा इस यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर बर्ड्स में। दोस्तों यूरोपियन कुछ बर्ड लवर एसोसिएशन का ऐसा मानना है कि बर्ड हम दो तरीके से पाल सकते हैं, एक एवियरी में पाल सकते हैं और एक बर्ड रूम में पाल सकते हैं। तो एवियरी का जो मतलब है वो है पक्षीशाला और जो बर्ड रूम का मतलब है वो पक्षियों का घर। दोस्तों लेकिन उन सब एसोसिएशन का ये मानना है दोस्तों, जब किसी एक केज का साइज 9 फुट बाई 3 फुट बाई 7 फुट, मतलब हाइट होगा 7 फुट, 9 फुट चौड़ा और 3 फुट लंबा है, ये जब साइज होगा एक केज का तब उसको हम एवियरी कह सकते हैं। दोस्तों वहाँ पर हम लोग एक से ज़्यादा पेयर बर्ड रख सकते हैं, वहाँ पर आप फिंच भी रख सकते हो या फिर पैरट ग्रुप का कोई भी बर्ड रख सकते हो, वो बर्ड के साइज के मुताबिक आपको रखना पड़ता है। एवियरी जो होता है दोस्तों वो ऐसी जगह होना चाहिए जो प्रकृति के एकदम करीब हो, मतलब उस एवियरी को ऐसी जगह बनाना चाहिए जहाँ पर धूप डायरेक्टली गिरता हो, बारिश का भी छींटे बहुत हद तक गिरता हो, हवा भी ठीक तरीके से वहाँ लगता हो, मतलब नेचर के एकदम करीब और आसपास में पेड़ पौधा रहेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ऐसा ही एक ब्यूटीफुल माहौल में एवियरी को रखा जाता है, ये देखने में बहुत ही सुंदर होता है। आप एवियरी के अंदर इंडोर जो प्लांट होता है या फिर आउटडोर प्लांट भी होता है वो आप पॉट में बिठा सकते हो, मतलब प्रकृति का जो माहौल है आप वहाँ पर आर्टिफिशियली पैदा कर सकते हो। दोस्तों वहाँ पर कुछ शेल्टर ऐसा रहेगा जहाँ पर ज़्यादा धूप गिरने पर, ज़्यादा बारिश गिरने पर बर्ड अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। दोस्तों ऐसा भी कुछ जगह रखना पड़ेगा एवियरी में। दोस्तों ऐसा बर्ड रखना चाहिए जो बर्ड अपने आप को प्रकृति के साथ इजीली ढाल ले सकता है, दोस्तों अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। ऐसा ही कुछ बर्ड दोस्तों जैसे कि कॉकाटेल है, लव बर्ड है, बजीगास पैरोट है, फिंच की बात करो तो बंगाली सोसाइटी फिंच है, जेब्रा फिंच है, कार्ट थ्रोट है, स्टार फिंच है, आउल फिंच है, ऐसी बहुत सारी किस्म के बर्ड होता है जो अपने आप को एवियरी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से ढाल लेता है। जाबा स्पैरो भी ऐसा एक नाम है दोस्तों, ये बहुत अच्छा होता है एवियरी के अंदर। एवियरी के अंदर आप बहुत सारा पेड़ लगा सकते हो, बाहर भी लगा सकते हो, ताकि बर्ड अपने आप का जो घोंसला है वो बनाने के लिए खुद ब खुद अपना नेस्ट चूज करे। उसके लिए आप आर्टिफिशियली जो नेस्ट है वो भी अंदर लगा सकते हो। दोस्तों फिंच और पैरट ग्रुप का जो बर्ड है उसको अगर आप एवियरी में एक साथ रखोगे तो फिंच बर्ड थोड़ा सा छोटा होने के कारण उसको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि बड़ा जो पैरट बर्ड है वो इन लोगों को डोमिनेट करेगा और उसको घोंसला बनाने नहीं देगा, उसको इरिटेट करेगा, तो वो सारा दिक्कत हो सकता है। इसलिए जब आप एवियरी बनाओ पैरट ग्रुप के लिए अलग से एवियरी बना सकते हो या फिर फिंच ग्रुप आप चूज़ कर सकते हो जिसको अलग से एवियरी में आप रख सकते हो। दोस्तों जो सब फ्रेंड्स अपने शौक पूरा करने के लिए बर्ड फार्मिंग करना चाहता है उसके लिए एवियरी सबसे बेस्ट है दोस्तों, सबसे बेस्ट, टाइम कम लगता है और देखने में भी बहुत सुंदर होता है दोस्तों एवियरी। आपके पसंद के मुताबिक दो पेयर करके बर्ड आप उसमें छोड़ सकते हो तो आपको बहुत सुकून मिलेगा दोस्तों। इससे आप खुद की तरह डेकोरेट कर सकते हो, अंदर प्लांट लगा सकते हो, फ्लावर प्लांट लगा सकते हो, अलग अलग तरीके का नेस्ट लगा सकते हो, अलग अलग ब्रांचेस लगा सकते हो दोस्तों, मतलब बहुत ही सुंदर है दोस्तों। क्योंकि कुछ फ्रेंड्स के पास टाइम की कमी होता है, वो ऑफिस जाता है, दूसरा कोई काम करता है, इसलिए बर्ड को अलग अलग केज में रख के ब्रीडिंग करना उसके लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन वो बर्ड बहुत पसंद करता है, उसके लिए ये बहुत ही परफेक्ट है दोस्तों। जैसे बर्ड है जैसे कि बजीगास पैरोट है, जावा स्पैरो है, ये सब बर्ड कॉलोनी में ब्रीड करता है दोस्तों, इसको कोई दिक्कत नहीं होता है।
जेब्रा फिंच भी ऐसा फिंच है जो कॉलोनी में बहुत अच्छा ब्रीड करता है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो यहाँ पर सब जंबो और जायंट फिंच है। मैं भी एक एवियरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो बहुत ही कम खर्चे में मैंने एक छोटा सा घर बनाया था जहाँ पर दो केज भी रखा हूँ और साइड में भी बहुत सारा जगह है जहाँ पर मैं इन सब बर्ड को छोड़ के रखा हूँ। ये ट्रायल के रूप में है। ये इसमें अगर मैं सक्सेस पाऊँगा तो बाद में मैं एक बहुत अच्छा सा एवियरी बनाऊँगा जहाँ पर मैं इंडोर प्लांट रखूँगा, बाहर भी प्लांट लगाऊँगा और तरह तरह की इसकी जो नेस्ट है वो भी लगाऊँगा अपने शौक़ को पूरा करने के लिए। इससे बर्ड भी खुश रहेगा और मैं भी खुश रहूँगा। दोस्तों इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, आप दूसरा काम करके भी इसको मेंटेन कर सकते हो। सिर्फ लड़के लोग नहीं, कोई अगर लड़की लोग घर में रहता है उसका टाइम पास करने का बहाना चाहिए तो वो ये चीज़ कर सकता है। ये बहुत ही अच्छा है अपने आप को बिज़ी रखने के लिए। इसके अलावा आप अगर ऑफिस करते हो, आप कॉलेजेस में जाते हो तो भी ये चीज़ आप मेंटेन कर सकते हो इजीली। अगर घर में कोई बुज़ुर्ग लोग रहता है उसका भी टाइम पास करने के लिए एक चीज़ चाहिए तो वो भी ये चीज़ कर सकता है, एवियरी में बर्ड पाल सकता है। दोस्तों यूरोप में दोस्तों बहुत एवियरी ऐसा है जो आउटडोर एवियरी है जहाँ पर लोग बर्ड पालता है बाहर में और वो सब अपने हॉबी को पूरा करने के लिए ही ऐसा किया हुआ है। अभी तो मैं बर्ड ब्रीडिंग में बहुत व्यस्त हूँ। नेक्स्ट ईयर मैं ट्राई करूँगा कि ऐसा ही एक एवियरी बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ। आई होप कि आप लोगों को भी ऐसा इच्छा है सुंदर सा एक एवियरी बनाने का, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो ऐसा एक एवियरी बनाने के लिए। अगर आप बनाओ तो मुझे साथ ज़रूर शेयर करना और मैं जब बनाऊंगा तो आप लोगों के साथ पहले ही शेयर करूंगा। दोस्तों ये जो बड़ा सा केज है दोस्तों ये ठीक एवियरी ठीक नहीं है दोस्तों। मैं बाहर से चारों तरफ से घेर दिया, अंदर दो केज भी रखा हूँ। यहाँ पर सेपरेट ब्रीड भी होता है और कॉलोनी ब्रीड भी होता है तो इसको आप मिक्स्ड एवियरी भी कह सकते हो। यहाँ पर ब्रीड भी बहुत अच्छा हो रहा है, ख़राब नहीं। अभी तक दो बार यहाँ पर ब्रीड मैं ले चुका हूँ और बहुत ही अच्छा होता है ब्रीड। तो आप भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हो अपने घर में, अगर थोड़ा बहुत जगह हो या फिर खाली घर हो तो आप ये ट्राई कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।